किचन का कुछ सामान बताइए। अब किचन में सबसे बढ़िया बहुत आसान वो पत्ता ही है, नाम ही पत्ता है, पर उसका तेज नजर नहीं आता है। वो तेज नजर तब आता है जब चाय में डालते हैं, वो पत्ता का नाम उसी में है। और उसको उबालिए, पानी में उबालिए, 2 कप पानी में 4 पत्ता डालिए, उबालिए, ठंडा कीजिए, पी लीजिए, पैखाना साहब। मतलब तेज पत्ता और क्या सब किचन वास्ते सामान? अब बहुत आसान है, बहुत आसान। क्या नेनुआ, झींगा, कद्दू, हरा सब्जी, तो ये तो किचन में सब नहीं रहेगा, कुछ मसाला या कुछ ऐसा। अब मसाला में धनिया खाएंगे, धनिया खा के देखिए, धनिया की चटनी खा के देखिए, पुदीना चटनी खा के देखिए, कितना पैसा लगेगा। पुदीना तो हर समय है, धनिया पत्ता हर समय, खाली वही मिर्च नहीं डालना, हरा मिर्च लाल मिर्च का सेवन नहीं करना। 2 बूंद पानी डाला, पीस लिया और उसका रस को निकाल के पैसा ना हो, ठीक है। तो ये धनिया में मसाला, दालचीनी हुआ, इलायची हुआ, पैसा ना था। जो गैस को निकालेगा वो पैसा ना था। तेजपत्ता का वही गुण है, लौंग का वही गुण है, इलायची का वही गुण है, खाली पानी में उबालना है। आप दूध में तेजपत्ता डाल के पिलाइए, पैसा ना था। होना है उसको, नहीं का जगह नहीं है। तो सुबह लेना, जब लेना है रात में पानी रख के तांबा बर्तन में, सुबह उसको उबालिए, पानी वही रहा खाली गर्म कर देना, ठीक है। 1 से 2 घंटा में उसको पैखाना होना है, ना के जगह नहीं है उसमें। खाने में आपको हरा सब्जी का सेवन करना है, स्थावर, स्थावर का मतलब है जो एनिमल प्रोडक्ट है, जैसे 2 पैर और 4 पैर, उसका मांस का सेवन जब करेंगे पैखाने में कब्ज होगा। इसलिए देखे होंगे जो मांसाहारी है उसका शरीर में कब्ज का शिकायत ज़्यादा होता है, लेकिन जो वनस्पतियों का सेवन करता है उसको पैखाना में कब्ज की शिकायत कम होती है। ये आपके खान पान पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।